तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जो भी आप लोग बोलते हैं मेरे तरफ से सबको भगवान करे आप लोग खुश रहें, मस्त रहें अपनी ज़िंदगी में। आज हम सवेरे उठे थे 4 बजे, तो मैं जिम करके आई हूँ। अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। इधर मैं क्या कहता है, कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें अब तेल डालेंगे। देखिए, हम सरसों तेल डाल रहे हैं, तो इधर मेरा तेल गरम हो गया है। पचफोरन डालेंगे, इसको चटकने देंगे। कढ़ाई गरम हो गया था, इधर हम पचफोरन डाल दिए हैं, इसको चटकने देंगे, फिर हम बनाएंगे। इधर हमने परवल को छील करके 2 खट्टा कर लिया है। आज हम 2 खट्टा सब्जी बनाएंगे, तो इसमें डालते हैं। आज मंगलवार था तो लहसुन प्याज मैंने नहीं दिया है। आज मैं बनाऊंगी भी मैं लहसुन प्याज में। चलिए, इसको दे करके बनाते हैं। अब इसको ऐसे करके पकने देंगे। चलिए, इसको ढकते हैं। लो आंच पर 2 मिनट पका लिया है। चलिए देखते हैं कैसा हुआ। इसमें नमक डालेंगे। 2 मिनट पका लिए हैं। फिर इसको पकने देंगे, तब इसमें डालेंगे हम नमक। तो फ्रेंड देखिए, हमारा हो चुका है, यानी 50% पक चुका है। दिखाते हैं आपको, देखिए। तो अब हम इसमें डालते हैं नमक। इसमें हम डालेंगे नमक, 50% पक चुका है। चलिए, नमक डालते हैं। ये जो सब्जी है, आप कम सब्जी में भी सारा पिंडी मिलके खा सकते हैं, एक एक दो दो पीस करके। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। आइए, इसमें कलर अकॉर्डिंग हल्दी डालेंगे। चलिए, इसको और भी पकने देते हैं। इसमें आप चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और भी टेस्टी लगेगा। फिलहाल हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ सूखा मसाला से बना रहे हैं। तो चलिए, इसको ढकते हैं पकने के लिए। चलिए, मेरा ऑलरेडी 75% पक चुका है। इसमें हम डालेंगे मसाला, मीट मसाला या सब्जी मसाला, जो भी डाल सकते हैं। हालांकि सब्जी बहुत टेस्टी लगता है, खास करके रोटी में और दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। चलिए, ये देखिए सब्जी मसाला है, इसमें डालते हैं। ये हमारा सब्जी बन चुका है, देखिए। चलिए, और 75% पक चुका है, और हमको 25% पकाना है। तो फिर देखिए, चलिए देखते हैं। लगता है मेरा सब्जी जो है अच्छी तरह से पक चुका है। परवल ये मैं लो फ्लेम पे बनाई हूँ ना, देखिए पूरा सीज गया है। मेरा सब्जी ऑलरेडी हो गया है,
मेरा सब्जी पक चुका है। चलिए इसको उतारते हैं गैस ऑफ करके। देखिए